स्टेशन से ऐसी ही गाड़ी मिलेगी आपको। देखिए भैया चला रहे हैं और कुछ दोस्त लोग मिल गए गाड़ी में, 100 रुपया चार्ज करेंगे आपसे। 30 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई है तो आपको चढ़ना पड़ेगा इसी गाड़ी में। टैक्सी वगैरह अगर आप लेंगे तो 300, 400, 500, 600, 1000, 1500 तक का रेट जा सकता है। तो बेहतर है ऐसी शेयरिंग किसी गाड़ी में बैठ जाइए और माउंट आबू, आबू रोड से आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू के ऊपर तक की चढ़ाई चढ़िए। मैं भी ऐसे ही, देखिए मेरा थैला, मेरा बैग और ये दोस्त लोग बैठे हुए हैं अंदर, चढ़ रहे हैं। अल्टीमेट चढ़ाई है, बहुत ऊँची है। भैया 100 रुपया ले रहे हैं और चढ़ा देंगे। तो आपको अगर कुछ अपनी जेब बहुत ज़्यादा ढीली नहीं करनी है तो 100 रुपया में ऊपर चढ़ जाइए, उसके बाद अपने ट्रिप और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। कोई हवाई अड्डा नहीं है यहाँ पे और आपको ऐसी टैक्सी ही लेना पड़ेगा आबू रोड रेलवे स्टेशन से या फिर शेयरिंग गाड़ी। तो मैं तो शेयरिंग में बैठा हूँ, थोड़ा जेब को भी बचा के रखना है क्योंकि ज़्यादा आपको ट्रेवल करना है। तो पहुंच गए हैं माउंट आबू और पहले होटल बुक करने और चेक इन करने से पहले मैंने सोचा ब्रेकफास्ट किया जाए। तो ये गोराई बाग है और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की दुकानें हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे खाने पीने की दुकानें। तो यहाँ पे एक ये दुकान मुझे दिखी तो यहाँ पे मैंने इनको बोला कि आप पोहे बनाइए, तो इन्होंने ताज़ा फ्रेश पोहे बनाए और बहुत ही डिलीशियस है। तो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद एक स्कूटर रेंट करते हैं क्योंकि तो आपको अगर क्या बोलते हैं आप यूट्यूब पे आओगे। अच्छा बनाओ बनाओ बढ़िया। क्या बोल रहे दादा? हाँ जी, माउंट आबू घूमना है तो एक स्कूटर रेंट करना ज़रूरी होगा। तो मैं रेंट करूँगा स्कूटर को और कुछ पर डे 250 रुपये के हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं, तो 2 दिन का 500 रुपया होगा। उसका नंबर भी जिससे मैं बुक करूँगा नंबर दे दूँगा क्योंकि वो उससे आसानी होगा आपको माउंट आबू एक्सप्लोर करने में। पहले तो गर्मा गर्म पोहे
का मज़ा लिया जाए। फिर स्कूटर रेंट करते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, घूमते हैं माउंटेन। एक यहाँ पे नई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, ग्रेवी आमलेट। हर एक जगह का कुछ अलग डिश होता है और उसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे एक नई डिश और ग्रेवी आमलेट, इसमें एक आमलेट है, ये आमलेट के साथ ग्रेवी, थोड़ा सा ऑनियन को काट के रखा गया है, उसके बाद ये ब्रेड को रोस्ट करके सर्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। वो आप लोग भी आए तो ग्रेवी आमलेट को ज़रूर टेस्ट करें, यहाँ का स्पेशल डिश है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और टेस्ट करके देखते हैं, उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद। तो आप लोग भी हैं तो कभी ग्रेवी आमलेट ज़रूर टेस्ट करें। आमलेट है, ग्रेवी है, साथ में पाव। सही बना। तो ये होटल राधिका पैलेस है, अब यहीं पे आ गए हैं, यहाँ पे सामान रख दिया है और चेक इन भी कर दिया है। भैया ने चेक इन करवा लिया है और मैंने एक आईडी आपको देना है। होटल के रेट के बारे में आपको बता दूँ, ऑफ सीजन में तो चलो कुछ भी चल जाएगा, लेकिन सीजन में 1500 नॉन एसी का, और एसी लेने जाएंगे तो 2000-2500, और अगर सैटरडे संडे का दिन है तो स्पेशली वो 5000 तक भी जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश और क्राउड होता है दिवाली और दिवाली पे और ज़्यादा। तो भैया का मैं नंबर में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी कभी आएँ तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी होटल ये बुक कर सकते हैं। और बेसिकली कहाँ रुके मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट ये नकीले एरिया, हाँ नकीला वॉकिंग, हाँ 2 मिनट का वॉकिंग है, नकीले पीछे ही है, तो मैक्सिमम टेरिस भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से भी आप एक अच्छा नकीले दिखता है, अच्छा व्यू पॉइंट भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट इसी एरिया में रहना प्रीफर करते हैं, तो भैया का होटल तो एकदम जस्ट पास में ही है। तो यहाँ से अभी मैं आप लोगों को रूम की कंडीशन भी दिखा देता हूँ जिसमें मैं स्टे किया हूँ। भैया ने मेरे से कुछ, आज ऑफ सीजन है तो 1000 रुपया चार्ज किया है नॉन एसी का, तो और मौसम इतना कूल है कि एसी लेने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को पड़ती है तो आप लोग बेसक बुक कर सकते हैं। तो रूम का रेस्टोरेंट वगैरह भी है खाने के लिए, अच्छा हाँ, तो देखिए भैया बता रहे हैं, तो खाने के लिए पास में रेस्टोरेंट वगैरह है, मार्केट है, काफ़ी अच्छे हैं, तो ज़्यादा दूर आप लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा माउंट आबू में कभी भी आइए तो नकी लेक के एरिया में, पीछे खाना बन रहा है वो बताना है, हाँ रसोई बन रही है, और ये भैया का होटल है और मैं बता देता हूँ, और ये मैं आप लोगों को रूम की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी हाइजीनिक है, ये मेरा रूम है और ये मेरा बैग है और एक छोटी सी टीवी, और टॉयलेट की कंडीशन भी देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अब इतने रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर काफ़ी अच्छा ही मुझे मिला है। तो आप लोगों को बता दिया कि नकी लेक के पास रुके, बहुत ही मज़ेदार और औसम जगह है। चलिए अब स्कूटर एक रेंट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे यहाँ पर स्कूटर आप रेंट करेंगे। वहाँ पर उनका भी नंबर मैं आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग भी कभी आए तो, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सप्लोर करना है तो स्कूटर रेंट करना ना भूलें, नहीं तो आप हर एक पॉइंट पे नहीं जा सकते। वेलकम गाइज, मैं केएल मनीष और आप चलते हैं माउंट आबू में घूमने के लिए। तो घूमने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को एक स्कूटी रेंट पर लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्कूटियाँ हैं, सबका रेट अलग अलग है, पर डे का 300-350, बुलेट है तो 600 और ड्यूक है तो 800। भैया हैं, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप इनको फ़ोन कर लीजिएगा जब भी नकी लेक के पास में इनका स्कूटी का लाइन लगा रखे हैं, दुकान है, तो यहाँ से आप फ़ोन कर लीजिए इनको और आप बुक कर सकते हैं और उसके बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो आप माउंट आबू को एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते।
बहुत दूर दूर पे एक एक स्पॉट है, तो वहाँ जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ही। स्कूटी बेस्ट वे है जो आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाएगी। हाँ, ये आपसे एक आधार कार्ड लेंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे और साथ में आपको गाड़ी और हेलमेट देंगे। हाँ, स्कूटी लेते समय आप उसकी एक वीडियो ज़रूर बना लें कि वो किस कंडीशन में है, ताकि आपको भी सुविधा हो और इनको भी सुविधा हो। अगर आपने ठोक वोक दिया तो वो आपको ही भरना पड़ेगा, पेट्रोल और पंचर आपको भरना पड़ेगा, और इंजन अगर ख़राब हुई तो उसकी उसके रिस्पॉन्सिबल भैया है।